वेलकम टू कॉन्कर आईएएस एमपीपीएससी 2020 एमपी जीके हम पढ़ रहे हैं दोस्तों। हमारी कई फ्री क्लासेस चल रही हैं एमपीपीएससी 2021 के लिए। 11 अप्रैल 2021 को हमारा एमपीपीएससी का पेपर होगा। इसमें फर्स्ट पेपर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, साथ ही हमारी अगर आप प्रीवियस क्लासेस नहीं देखे हैं तो कॉन्कर आईएएस के प्लेलिस्ट में जाकर आप वो सारे लेक्चर देख सकते हैं। सॉरी दोस्तों, तो हम फॉरेस्ट के बारे में हम पढ़ लिए हैं। तो फॉरेस्ट तो ठीक है दोस्तों, तो सबसे ज़्यादा पूरे इंडिया में मध्य प्रदेश में है, और राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश में कहाँ है, राज्य प्लस केंद्र शासित में, तो लक्षद्वीप में। अगर वृद्धि की बात की जाए तो कर्नाटका में हुई है। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही एमपी में सबसे ज़्यादा बालाघाट परसेंटेज वाइज में भी बालाघाट, और सबसे कम वन क्षेत्रफल में तो उज्जैन, परसेंटेज वाइज में भी उज्जैन। तो दोस्तों पूरे देश में सबसे ज़्यादा वन कहाँ है, एमपी में है। राज्यों के शासित में सबसे ज़्यादा वन कहाँ है, तो लक्षद्वीप में है। सर्वाधिक अगर पूरे राज्य में बात की जाए तो कर्नाटका में है। अगर मैं एमपी की बात करूँ तो दो सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कहाँ है, बालाघाट में है। प्रतिशत में सबसे ज़्यादा बालाघाट में है, सबसे कम उनकी बात करें उज्जैन में भी है। प्रतिशत में बात करें तो उज्जैन में भी है, न्यूनतम है। ठीक है दोस्तों, सबसे कम। तो ये 2019 की डेटा के अकॉर्डिंग हम ये सब बात कर रहे हैं। इसके पहले 2017 में हर वर्ष 1987 के बाद हर 2 वर्ष में देहरादून उत्तराखंड में है। तो फॉरेस्ट की रिपोर्ट हर 2 साल में आती है। ये हमारी 2019 वाली ये 16वीं रिपोर्ट है। कौन सी रिपोर्ट दोस्तों, अगर आपसे ये बोला जाए, ठीक है, टोटल 24.67% है 2019 में। ठीक है, पहले से मेरा फॉरेस्ट कवर बढ़ा है, टोटल कितना होना चाहिए, तो 33% होना चाहिए, जो कि हमारा अभी 24.67% है। 2017 के कंपेयर में बढ़ा हुआ है 68 किलोमीटर प्रति स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि ये रिपोर्ट कहाँ से पब्लिश होती है, पर्यावरण जलवायु परिवर्तन मंत्रालय करता है। ये देहरादून में हर 2 वर्ष में होती है। 2019 के अनुसार सबसे ज़्यादा वन एमपी में है, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में, लक्षद्वीप में है। सर्वाधिक वृद्धि कर्नाटका में हुई है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जंगल कहाँ है, बालाघाट में है। प्रतिशत के रूप में सबसे ज़्यादा वन कहाँ है, तो बालाघाट में ही है। न्यूनतम मध्य प्रदेश में कहाँ है वन है, तो उज्जैन में है। परसेंटेज में न्यूनतम कहाँ है, उज्जैन में है। 2019 की 16वीं रिपोर्ट है। 2017 अकॉर्डिंग 68 किलोमीटर हमारा क्षेत्रफल बढ़ा है, जो कि 24.67 हो गया है। इंटरनेशनल जो पैमाना है, तो कुल क्षेत्र का 33% क्षेत्र वन होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो हम आज पढ़ने वाले हैं कुछ वन से रिलेटेड। तो राज्य के कुल वन क्षेत्रफल कितना है, तो दोस्तों इसको 3 सेगमेंट में हम डिवाइड करेंगे। आरक्षित वन 65%, संरक्षित वन 33%, अवर्गीकृत वन 2%। तो आरक्षित वन 65%, संरक्षित वन 33%, अवर्गीकृत वन 2%। तो दोस्तों 65 + 33 + 2% टोटल 100% हो जाता है। तो सबसे ज़्यादा आरक्षित, फिर संरक्षित, फिर अवर्गीकृत वन है। तो दोस्तों मध्य प्रदेश में
कुल 52 जिले हैं और 16 क्षेत्रीय वन वृत्त हैं, 63 क्षेत्रीय वन मंडल हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, मध्य प्रदेश के उष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। दोस्तों मध्य प्रदेश में कौन सा वन पाया जाता है? तो उष्ण कटिबंधीय, ठीक है, वन पाए जाते हैं। कर्क रेखा 23.5 डिग्री ऊपर या नीचे वाले क्षेत्र से उनको डिवाइड करती है। मध्य प्रदेश को कर्क रेखा दो भागों में डिवाइड करती है। ये 14 जिलों से गुजरती है, ठीक है, और इंडिया में 8 राज्यों से गुजरती है। ठीक है दोस्तों, तो मध्य प्रदेश में सर्व और एमपी में कर्क रेखा समानांतर नर्मदा नदी भी बहती है। ठीक है दोस्तों, जो कि बंसी घाटी का एग्जाम्पल है, अरब सागर में गिरती है, डेल्टा नहीं बनाती, नर्मदा और ताप्ती। ठीक है दोस्तों, तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन वृक्ष सागौन के हैं। एमपीपीएससी में ऐसा क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है दोस्तों। तो यह एमपी सर्वाधिक वन वृक्ष सागौन का है, दूसरे स्थान पर साल का है, ये भी आप ध्यान रखिए, क्योंकि पहला पूछ चुका है तो दूसरा भी पूछ सकता है। ठीक है, वन अनुसंधान संस्थान देहरादून का क्षेत्रीय कार्यालय मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थित है। देखो दोस्तों, देश का वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में है। ठीक है, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है, इसलिए इम्पोर्टेंट ये मार्क कर लीजिए। वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में है। वन अनुसंधान का क्षेत्रीय कार्यालय हमारे मध्य प्रदेश के जबलपुर में भी है। ठीक है दोस्तों, तो वन अनुसंधान संस्थान देहरादून, क्षेत्रीय कार्यालय एमपी के जबलपुर में है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट, इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट 1982 भोपाल में है। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट 1982 में कहाँ है दोस्तों? भोपाल में है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट, ये भी इम्पोर्टेंट, मध्य प्रदेश के बालाघाट में वन राज्य की महाविद्यालय की स्थापना 1979 में की गई। देखो दोस्तों, बालाघाट में सबसे ज्यादा वन है और परसेंटेज में भी सबसे ज्यादा वन है, तो ये यहीं पे वन राज्य की महाविद्यालय की स्थापना 1979 में की गई। ठीक है दोस्तों, तो बालाघाट में वन राज्य की महाविद्यालय की स्थापना 1979 में की गई। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट, प्रदेश का दूसरा वन राज्य की महाविद्यालय 1980 में बैतूल में स्थापित किया गया। पहला बालाघाट में, दूसरा बैतूल में किया गया। ठीक है दोस्तों, यहाँ 1979, यहाँ 1980 में की गई। ठीक है, मध्य प्रदेश के शिवपुरी में प्रादेशिक वन स्कूल स्थापित किया गया है। प्रादेशिक वन स्कूल शिवपुरी में स्थापित किया गया है, जबकि वन राज्य की महाविद्यालय की स्थापना 1979 बालाघाट में किया गया है, जबकि दूसरा वन राज्य की महाविद्यालय 1980 बैतूल में किया गया है। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में प्रादेशिक वन स्कूल हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट, प्रदेश के शिवपुरी, अमरकंटक, गोविंदगढ़, लखनादौनी में वन वनपाली व वन संरक्षकों को प्रशिक्षण दिया गया है। दोस्तों मतलब मध्य प्रदेश के शिवपुरी, अमरकंटक अनूपपुर में है, गोविंदगढ़, रीवा, लखनादौनी में वन वनपाली व वन संरक्षकों को प्रशिक्षण दिया गया है। ठीक है दोस्तों, शिवपुरी, अमरकंटक, गोविंदगढ़, लखनादौन में वनपाली व वन संरक्षकों को प्रशिक्षण दिया गया है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट, वन पहरेदारों को ट्रेनिंग स्कूल प्रदेश के बैतूल और रीवा जिला में है। ठीक है दोस्तों, वन पहरेदारों का ट्रेनिंग स्कूल प्रदेश के बैतूल और रीवा जिला में है। तो वन पहरेदारों को ट्रेनिंग देने के लिए जो स्कूल है, तो बैतूल और रीवा में है। ठीक है दोस्तों,
नेक्स्ट पॉइंट, वनों का 7% राष्ट्रीयकरण करने वाला देश का प्रथम राज्य मध्य प्रदेश है। तो अगर आपसे ये पूछा जाए वनों का 7% राष्ट्रीयकरण करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है, तो आपका जवाब होना चाहिए दोस्तों मध्य प्रदेश है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, प्रदेश में वनों का राष्ट्रीयकरण 1970 किया गया। वनों को 7% राष्ट्रीयकृत करने वाला देश का पहला राज्य मध्य प्रदेश रहे, ये कब किया गया, 1970 में किया गया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट, प्रदेश में वनों को राष्ट्रीयकरण के तहत सर्वप्रथम तेंदूपत्ता को राष्ट्रीयकरण किया गया है। ठीक है दोस्तों, प्रदेश में वनों के राष्ट्रीयकरण 1970 के तहत सर्वप्रथम तेंदूपत्ता का राष्ट्रीयकरण किया गया। ठीक है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट ये है कि एमपी का वन विकास निगम की स्थापना 1975 में की गई। ठीक है दोस्तों, और नेक्स्ट पॉइंट, एमपी के वन जीव संरक्षण अधिनियम 1974 पारित किया गया। तो अगर आप इसको वो समझिए, अगर आपसे ये पूछा जाए वनों का 7% राष्ट्रीयकरण करने वाला देश का पहला राज्य मध्य प्रदेश, तो वनों को राष्ट्रीयकरण कब किया गया, 1970 में किया गया, राष्ट्रीयकरण के तहत सर्वप्रथम तेंदूपत्ता का राष्ट्रीयकरण किया गया, साथ ही वन जीव संरक्षण अधिनियम 1974 में आया, और वन विकास निगम 1975 में, 70 में हमने पूरे पूरे वन को राष्ट्रीयकरण किया, फिर तेंदूपत्ता का भी राष्ट्रीयकरण कर दिया, 74 में वन जीव संरक्षण अधिनियम आया, और 75 में वन विकास निगम की स्थापना की गई। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं, मध्य प्रदेश के जिन जिलों में वन क्षेत्र 33% कम है उनमें वनारोपण हेतु 1976-77 से पंचवन योजना प्रारंभ की गई है। देखो दोस्तों, मध्य प्रदेश के जिन जिलों में 33% से कम जंगल हैं तो वहाँ वन रोपण हेतु 1976-77 से पंचवन योजना प्रारंभ की गई है, जिससे वहाँ का भी वन तेजी से ग्रोथ हो। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट, प्रदेश में सामाजिक वन की योजना 1976 में लागू की गई। तो दोस्तों वन विकास निगम 1975 में बना, अधिनियम 74 में आया, और 76 में पंचवन योजनाएं आई, और सामाजिक वानिकी योजना भी 1976 में आई। ठीक है दोस्तों, मध्य प्रदेश के देश के 60% तेंदूपत्ता का उत्पादन करता है। तेंदूपत्ता उत्पादन में प्रदेश का देश में प्रथम स्थान है। तेंदुपत्ता को राष्ट्रीयकरण कब किया गया दोस्तों, तो जवाब होना चाहिए 1970। तो मध्य प्रदेश देश का 60% तेंदुपत्ता का उत्पादन करने वाला देश में प्रथम राज्य है। ठीक है दोस्तों, तेंदुपत्ता से बीड़ी बीड़ी और कई सारी इससे मतलब बनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा 1988 में तेंदुपत्ता नीति में बिचौलियों की संख्या समाप्त कर दी गई। मध्य प्रदेश सरकार ने 1988 में तेंदूपत्ता नीति में बिचौलियों की संख्या समाप्त कर दी गई। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट, लाख उत्पादन में मध्य प्रदेश बिहार के बाद दूसरा स्थान है। लाख उत्पादन में बिहार के बाद एमपी का दूसरा उत्पादन है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट, भिलवा का उपयोग स्याही व पेंट बनाने में होता है। ठीक है दोस्तों, भिलवा का उपयोग स्याही और पेंट बनाने में होता है। नेक्स्ट, हर्रा का उपयोग चर्म शोधन प्रिंटिंग प्रेस और दवाइयां बनाने में होता है। ठीक है दोस्तों, सबसे कम वन होशंगाबाद वन में आते हैं। होशंगाबाद साल वृक्षों के सघनता सर्वाधिक के पूरे प्रदेश में। सबसे कम वन वृत्त वाला होशंगाबाद जिला है। होशंगाबाद जिले में
वृक्षों के साल वृक्ष की संख्या उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा है। ठीक है तो दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट, मध्य प्रदेश शासन की उनकी पहली वन नीति 1952 में बनी थी और दूसरी वन नीति 1905 में बनी थी। दोस्तों अगर आपसे ये पूछा जाए एमपी गवर्नमेंट की पहली वन नीति कब आई, तो 1952 में आई। दूसरी वन नीति कब आई दोस्तों, 2005 में आई। मध्य प्रदेश का देश में कुल लकड़ी का 20% उत्पादन होता है। ठीक है दोस्तों, मध्य प्रदेश के देश की कुल लकड़ी के उत्पादन का 20% होता है। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट, प्रदेश के बालाघाट में वन राज्य के महाविद्यालय की स्थापना 1970 में की गई। ठीक है दोस्तों, ये तो हम पढ़ा चुके हैं। अब आते हैं मध्य प्रदेश में उष्णकटिबंधीय वन। देखो दोस्तों अगर आपसे ये सिंपल क्वेश्चन पूछ, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है, मध्य प्रदेश में कौन से वन पाए जाते हैं उष्ण शीतोष्ण कटिबंधी, तो आपका जवाब होना चाहिए और भी हो सकते हैं। तो मध्य प्रदेश में उष्ण कटिबंधी वन पाए जाते हैं, इसमें तीन कैटेगरी है दोस्तों। ठीक है, उष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं, इसमें से तीन कैटेगरी है, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्ण कटिबंधीय अर्ध पर्णपाती वन, उष्ण कटिबंधीय शुष्क वन। इसी इसी की ये तीनों ब्रांचें हैं दोस्तों, उष्ण कटिबंधीय वन के, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। ये वन प्रदेश के वन में सर्वाधिक भाग में पाए जाते हैं। औसत वर्षा यहाँ 50 से 100 सेंटीमीटर होती है। ठीक है दोस्तों, 50 से 100 सेंटीमीटर। वन इमारती लकड़ी, सागौन, शीशम, नीम, पीपल, ये वन पानी की कमी होने पर पत्ते गिरा देते हैं। प्रदेश के सागर, जबलपुर, दमोह, छिंदवाड़ा, पन्ना, जबलपुर, होशंगाबाद, सिवनी। तो दोस्तों उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन ये प्रदेश के इस एरिया में पाए जाते हैं। ठीक है, उष्णकटिबंधीय उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन कौन है, जहां पत्ती गिरा देते हो। ठीक है दोस्तों, तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन ये वन प्रदेश के वन में सर्वाधिक भागों में पाए जाते हैं। औसत वर्षा 50 से 100 सेंटीमीटर। इसमें इमारती लकड़ी, सागौन, शीशम, नीम, पीपल, ये वन पानी की कमी होने पर पत्ते गिरा देते हैं। ये प्रदेश के सागर, जबलपुर, दमोह, छिंदवाड़ा, पन्ना, जबलपुर, होशंगाबाद, सिवनी में पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, उष्णकटिबंधीय अर्ध पर्णपाती वन, इसमें औसत 100 से 150 सेंटीमीटर बारिश होती है। ये वन में सागौन, साल, बांस में मुख्यतः पाया जाता है। ठीक है, बांस में मुख्यतः पाया जाता है। ये वन पूर्ण पत्तियों को नहीं गिराते हैं। ये मंडला, बालाघाट, शहडोल, सीधी। देखो दोस्तों अगर आप इसको मैप में देखें उष्णकटिबंधीय अर्ध पर्णपाती वन, तो ये उष्णकटिबंधीय अर्ध पर्णपाती वन। ठीक है दोस्तों, ये इस एरिया में पाया जाता है। तो ठीक है, तो इसमें 100 से 150 सेंटीमीटर बारिश होती है। इसमें सागौन, साल, बांस मुदा पाए जाते हैं। ये वन पूर्ण पत्तों को नहीं गिराते हैं। मंडला, बालाघाट, शहडोल, सीधी पाए जाते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं उष्णकटिबंधीय शुष्क वन, ये कटीले, इसको कटीले वन भी बोलते हैं। औसत वर्षा 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। इसमें हर्रा, बबूल, शीशम, कीकर, पलाश, तेंदूपत्ता होता है। इस शिवपुरी, भिंड, मुरैना, ग्वालियर, रतलाम में होता है उष्णकटिबंधीय शुष्क वन।
दोस्तों ये उष्णकटिबंधीय शुष्क वन ये इस एरिया में पाए जाते हैं, उष्णकटिबंधीय शुष्क वन। देखो दोस्तों ये जो एरिया है, एक मिनट थोड़ा हाईलाइट ले लेता हूँ, कलर चेंज उत्तम राज्य बताता हूँ। ये एरिया उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, ये एरिया उष्णकटिबंधीय अर्धपर्णपाती वन, ये एरिया उष्णकटिबंधीय शुष्क वन। ठीक है दोस्तों, तीन वन पाए जाते हैं, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन का ये एरिया, उष्णकटिबंधीय अर्धपर्णपाती वन का ये एरिया, उष्णकटिबंधीय शुष्क वन यहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, आपको होपफुली तीनों चीजें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है दोस्तों, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन यहाँ से 100 फीट 150 सेंटीमीटर, पानी की कमी के कारण इस सागर जबलपुर दमोह छिंदवाड़ा पन्ना जबलपुर होशंगाबाद सिवनी, उष्णकटिबंधीय अर्ध पर्णपाती वन 100 फीट 150 सेंटीमीटर, सागौन साल इसमें बांस मुख्यतः पाए जाते हैं। ये मंडला बालाघाट शहडोल सीधी मतलब बघेलखंड का क्षेत्र है। ठीक है, और ये सतपुड़ा का क्षेत्र है, ये उच्च मध्य का पठार है। ठीक है, तो इसमें 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, इसमें हर्रा बबूल सीसम होता है। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं क्षेत्रीय इकाइयों का वर्गीकरण, पेन चेंज कर लेते हैं दोस्तों। क्षेत्रीय इकाइयों का वर्गीकरण, वन क्षेत्रों को वैज्ञानिक प्रबंधन और वन संसाधन संबंधित क्षेत्रीय स्तर पर प्रशासनिक इकाइयों के माध्यम से किया गया है। टोटल मध्य प्रदेश में 16 वृत्त हैं, वन मंडल 63 हैं, उप वन मंडल 135 हैं, परिक्षेत्र 473 हैं, उप वन परिक्षेत्र 1871 हैं, परिसर 82-86 है। देखो दोस्तों एग्जाम के हिसाब से इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आप एक बार इसको देख लेना। वित्त 16 है, वनमंडल 63 है, उप वनमंडल 135 है, परिक्षेत्र 473 है, उप वन परिक्षेत्र 1871 है, परिसर 8286 है। वनों से संबंधित मध्य प्रदेश प्रमुख वन संस्थान, देखो दोस्तों वन से संबंधित मध्य प्रदेश में कौन कौन से प्रमुख संस्थान हैं, उनका क्या काम है, इसके बारे में हम देख लेते हैं। तो पहला पॉइंट पढ़ते हैं राष्ट्रीय वन अनुसंधान। तो दोस्तों ये कहाँ है, उत्तराखंड में है। उत्तराखंड कहाँ है, तो ये दोस्तों सॉरी देहरादून कहाँ, उत्तराखंड में है। क्षेत्रीय कार्यालय जबलपुर में है, तो वन राष्ट्रीय वन अनुसंधान देहरादून, मतलब ये देहरादून से ही वन की रिपोर्ट पब्लिश होती है पर्यावरण वन मंत्रालय द्वारा, 2 वर्ष हर दूसरे वर्ष, तो 2019 में हो पब्लिश हुआ दिसंबर में, तब दिसंबर 2021 में ही होगा। अभी हालांकि इसके पहले मेरा एग्जाम हो जाएगा, इसलिए हम 2019 की रिपोर्ट पढ़ रहे हैं। 2019 की रिपोर्ट सुनामी रिपोर्ट है। ठीक है, 1987 से 1987 से हर 2 वर्ष में रिपोर्ट पब्लिश की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट 1982 भोपाल में है। नेक्स्ट पॉइंट, ट्रिपकल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट 1988 जबलपुर में है। इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट रिसर्च एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट 1995 छिंदवाड़ा में है। तो दोस्तों अपने एमपी में केवल 3 संस्थान है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट 1982 भोपाल में है, नेक्स्ट ट्रिपिकल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट 1988 जबलपुर में है, इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट रिसर्च एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट 1995 छिंदवाड़ा में है, और राष्ट्रीय वन अनुसंधान का क्षेत्रीय कार्यालय जबलपुर में है। ठीक है दोस्तों,
अब नेक्स्ट पढ़ते हैं, प्रदेश के वन प्रशिक्षण संस्थान कहाँ कहाँ हैं? तो प्रदेश में निम्नानुसार एक वन क्षेत्रफल महाविद्यालय और 8 वन विद्यालय हैं। तो वन क्षेत्रफल महाविद्यालय बालाघाट में है, यहाँ वन रक्षक वनपाल पदोन्नति वन का क्षेत्रफल है। देखो दोस्तों, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन कहाँ है? तो बालाघाट में ही है। और परसेंटेज में सर्वाधिक वन कहाँ है? तो बालाघाट में है। वन क्षेत्रफल महाविद्यालय एक विद्यालय है वो बालाघाट में है और 8 वन विद्यालय हैं। ठीक दोस्तों, तो इस प्रकार आज हमने मतलब कि ये आपको फॉरेस्ट के बारे में पढ़ाया। तो ठीक है दोस्तों, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हिट द बेल आइकन बटन, सब्सक्राइब द चैनल, लाइक एंड शेयर द वीडियो। हमारी क्लास का जो सोर्स है ऑथेंटिक है और हमारी टीम इस पर पूरा काम कर रही है। हम आपको नेक्स्ट लेक्चर के साथ नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।